to our podcast channel, where we explore what makes life truly fulfilling. I'm your host, Vidhi. Today, we are diving into a topic that's essential for everyone, nutrition and wellness. We all know that what we eat affects our body, and that's how we feel. But understanding the full impact of nutrition on our health can be complex. That's why Dr. Sonal Jain Jaiswal will help us today. She's an expert in nutrition and wellness, and she will help us uncover the secrets to a healthy diet and lifestyle. Why is nutrition important to us? So according to Ayurveda, hamare three types of food hai, sattvic, rajasic aur tamasic. Sattvic yani ki jo food jisme very high positive energy. Rajasic yani neutral, zero energy. And tamasic which is negative energy food. So, if you want to really increase your powers and if you want कि आपको जो food आप खा रहे हो उससे आपको best powers मिले, nutrition मिले, health मिले, so it is important कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक food खाओ. Rajasic food like very little just to satisfy your taste buds, not much. And tamasic तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए आपको. So it is very important that you should check your plate कि आपकी प्लेट में कितना सात्विक, कितना राजसिक और कितना तामसिक फूड है. तो मैम सात्विक फूड क्या है? सात्विक फूड जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ पॉजिटिव एनर्जी फूड. वो फूड जिसमें सबसे ज़्यादा सात्विक ऊर्जा आपको मिलती है और ये सात्विक ऊर्जा आपके अंदर में आपको पोषण देती है, आपकी एनर्जी को बढ़ाती है, आपको पावर्स देती है. तो सात्विक फूड वो फूड है जो क्लोजेस्ट टू नेचर है. क्लोजेस्ट टू नेचर यानी कि हमारे जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम माइल्डली कुक्ड या रॉ फॉर्म में हम उसको कंज्यूम करते हैं वो उतना सात्विक रहता है. हम ये सारे फूड लाइक नो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह को हम जितना एक्सेसिव कुकिंग कर लेते हैं, बहुत मिर्च मसाले डालते हैं, बहुत ग्रेवी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक उसको लाइक नो कुक करते हैं, तो इसकी जो ऊर्जा होती है, इसकी जो एनर्जी होती है कम होती जाती है. सो द क्लोजेस्ट इट इज़ टू द नेचर वो उतना ज़्यादा सात्विक होता है. बट आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो नेचर से भी हमको फूड मिल रहा है ना, वो भी प्योर नहीं है. हमने इतना पेस्टिसाइड्स और प्रिजर्वेटिव्स और ये सारी चीज़ें हम डालने लग गए हैं, उसके कारण क्या हो गया है कि इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है. इट इज़ नॉट दैट प्रॉपर. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जब ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी कंज्यूम करें तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक हो. इट शुड बी ऑर्गेनिक, पेस्टिसाइड ना डला हो एंड साथ ही लोकल और सीजनल हो. बिकॉज अगर ये लोकल और सीजनल नहीं होगा दैट मीन्स हम कहीं बाहर से इसको बुला रहे हैं या हम ऑफ सीजन का खा रहे हैं. तो हमें ये बात जानना है कि जो चीज़ जितनी सात्विक होती है, जितनी नेचर से क्लोज होती है, उसको हम जैसे प्लग करते हैं उसमें नेगेटिविटी आना शुरू हो जाता है, उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी कम होनी शुरू हो जाती है. तो जैसे हम कोई फ्रूट्स वेजिटेबल्स को प्लग कर देंगे उसकी एनर्जी कम होनी शुरू कर देंगी और उसका शेल्फ लाइफ जो है वो बहुत कम रहता है. ऑर्गेनिक फूड का हमेशा शेल्फ लाइफ कम होगा एज अपोज टू दोज फूड जिसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं. तो जब हम बहुत दूर से इसको ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं या फिर हम इसको ऑफ सीजन के लिए संभाल के रखते हैं कि भाई मैंगोज जो समर्स में आते हैं वो विंटर्स में भी हमें मिलें, तो क्या होता है, हम इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स को डालते हैं, बहुत सारे केमिकल्स को डालते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जब ये फूड लें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह खाएं, तो वो ऑर्गेनिक हो और सीजनल हो और लोकल हो. बिकॉज इफ इट इज़ नॉट सीजनल लोकल देन इट इज़ इन्फेस्टेड विद पेस्टिसाइड्स एंड प्रिजर्वेटिव्स एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर आर हेल्थ. तो सात्विक फूड वो फूड है जो नेचर से करीब है और नेचर के साथ में ग्रो किया हुआ है. उसमें जैसे ही हम केमिकल्स डालना शुरू कर देंगे वो सात्विक नहीं रहेगा. तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल के अलावा और क्या क्या फूड टाइप्स होते हैं जो सात्विक में आते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे जो ग्रेन्स हैं वो सात्विक हैं. ग्रेन्स में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ग्रेन को क्या करते हैं, हम पीसते हैं. तो जब हम पीसते हैं तो हमें ध्यान देना है कि इसकी फाइबर लॉस्ट ना हो जाए. जैसे वीट को जब हम पीसना शुरू करते हैं तो पीसते पीसते उसका जो लास्ट फॉर्म होता है वो है मैदा, एंड मैदा हैज़ नो फाइबर, देन मैदा इज़ नॉट सात्विक एट ऑल. जितना ज़्यादा उसमें फाइबर होगा वो उतना हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा है
और वो उतना सात्विक है. सो हमें हमेशा ग्रेन को कोसली ग्राइंड करना चाहिए, उसे बिल्कुल फाइन ग्राइंडिंग नहीं करनी चाहिए बिकॉज वो फिर हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता. एंड ग्रीन्स में जो मिलेट्स हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, लाइक ज्वार बाजरा, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी है. तो हमको इसके कॉम्बिनेशन में हमें खाना चाहिए, इट इज़ वेरी गुड. अलॉन्ग विद ग्रीन्स नट्स हो गए, सीड्स हो गए, वो सब बहुत अच्छे हैं. लाइक डिफरेंट नट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आलमंड्स हैं, पिस्ता है, आपका वॉलनट्स है, डेट्स है, खारिक है, दीज आर एक्सीलेंट फॉर हेल्थ. सो एंड दीज आर अ फॉर्म ऑफ हेल्दी फैट, ये बिकॉज हमारी बॉडी को फैट की भी ज़रूरत है. बट जब हम बहुत सारा ऑयल बटर ये सब खाते हैं तो ये अनहेल्दी फैट होते हैं, दे आर नॉट गुड फॉर अ बॉडी. बट नट्स एंड सीड्स दीज आर फॉर्म ऑफ हेल्दी फैट्स एंड दे गिव लॉट ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनर्जी टू अर बॉडी. और सीड्स भी बहुत गुड होते हैं हमारे बॉडी के लिए, लाइक पम्पकिन सीड, चिया सीड, ऑल दीज सीड्स आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड. सो हमें अपने डाइट में सीड्स, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये सबको इंक्लूड करना चाहिए. एंड अलॉन्ग विद डैट डेयरी प्रोडक्ट्स, ये भी बहुत अच्छा है. बट आजकल बहुत सारी बातें हो रही है लैक्टोज इंटॉलरेंस की, कि लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है इसलिए दे आर गेटिंग ऑफ डेयरी. सो उसमें प्रॉब्लम डेयरी प्रोडक्ट की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम वो एनिमल्स को बहुत सारे हार्मोनल इंजेक्शंस दे देते हैं जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम आ गई है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब आप ये डेयरी प्रोडक्ट्स को सोर्स करो तो वो सोर्स बहुत ऑथेंटिक हो, प्रॉपर हो, और वो ए टू मिल्क ही हो. ए टू मिल्क मीन्स इंडिजिनस काउस से जो हमें मिल रहा है. अगर वो इंडिजिनस काउस का नहीं है तो फिर वो इतना पौष्टिक नहीं है, उतना प्रॉपर नहीं है. सो आपके सारे डेयरी प्रोडक्ट्स ए टू ही होने चाहिए, डिराइव फ्रॉम इंडिजिनस काउस ही होने चाहिए, तभी वो आपके लिए हेल्दी हैं. अदरवाइज दे आर नॉट दैट गुड फॉर योर हेल्थ. सो ऑल दीज थिंग्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम लाइक यू नो इंडिजिनस काउस जो ए टू है, दीज आर ऑल वेरी गुड. एंड ये हमें बहुत एनर्जी देते हैं और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं. अभी हमें ये तो क्लियर हो गया कि सात्विक फूड्स क्या होता है, अभी राजसिक फूड क्या है? राजसिक फूड यानी कि राजा का फूड. तो राजा का फूड कैसा होगा? राजा का फूड होगा जो हमें सेंस प्लेजर्स देगा, हमारे टेस्ट बड्स के लिए बहुत अच्छा होगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा उसे खाने में. सो राजसिक फूड इज ज़ीरो एनर्जी फूड. वो हमारे अंदर कुछ बहुत पॉजिटिव क्रिएट नहीं करता, हमारे टेस्ट बड्स के लिए बहुत अच्छा होता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ये राजसिक फूड को जस्ट लिमिट कर दें, जस्ट टू सेटिस्फाई आर टेस्ट बड्स एट टाइम्स, नॉट ऑलवेज. व्हेन लाइक जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन्स हैं, जब हम इनको बहुत ज़्यादा कुक करते हैं, ओवर कुक करते हैं, बहुत मसाले डालते हैं, बहुत ग्रेवी करते हैं, तो इनका रॉ इंग्रेडिएंट तो अच्छा है बट इनकी प्रोसेसिंग इतनी हो जाती है कि इनके न्यूट्रिएंट्स इस प्रोसेस में खत्म हो जाते हैं, तो वो सात्विक से राजसिक में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दीज राजसिक फूड आर दोज फूड विच डोंट गिव अस मच एनर्जी, जीरो एनर्जी फूड है बट हमारे टेस्ट बड को बहुत पसंद है. सो एट टाइम्स यू कैन इंडल्ज ऑन देम बट नॉट ऑलवेज बिकॉज दे आर नॉट डूइंग मच गुड टू यू. We have known about sattvic and rajasic food. And what is this tamasic food? Tamasic, जैसा कि नाम है, it is negative energy food. It is not good for our health at all. In fact, according to Ayurveda, we should refrain from tamasic food under any circumstances. हमें tamasic food बिल्कुल भी नहीं consume करना चाहिए. तो अब क्या क्या आता है तामसिक फूड में, राइट? आई एम श्योर दैट विल बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान देना है, हमें नहीं खाना है. सो फूड विच इज़ हाई इन केमिकल्स, जिसमें बहुत पेस्टिसाइड है, प्रिजर्वेटिव्स है, केमिकल्स है, उसे बिल्कुल भी हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए. जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, अगर ऑर्गेनिक हैं तो सात्विक हैं, बट अगर उसमें बहुत हाई क्वांटिटी में आप पेस्टिसाइड और प्रिजर्वेटिव डाल देते हो तो फिर वो तामसिक बन जाता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपने वेजिटेबल्स वगैरह को एटलीस्ट
फ्रूट्स तो फिर भी और मेहनत लगता है, बट वेजिटेबल इट इज़ वेरी इजी. आप अपना एक किचन गार्डन क्रिएट कर सकते हो और छोटे छोटे गमलों में यू कैन लाइक यू नो स्टार्ट ग्रोइंग लीफी वेजिटेबल्स, लाइक यू नो स्मॉल स्मॉल वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोज, टेंसी, लाइक यू नो ऑल दीज थिंग्स. दे डोंट टेक मच टाइम एंड मच एफर्ट टू ग्रो, बट उसको ग्रो करने में आपको खुशी भी बहुत मिलेगी, आपको अच्छा भी बहुत लगेगा और आपके हेल्थ के लिए भी वो बहुत इफेक्टिव रहेगा. सो स्टार्ट डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज जो मार्केट में मिल रहा है वो सही में डाउटफुल है कि क्या है, और अगर आपको लेना भी पड़ रहा है मार्केट से तो आप फिर उसको बहुत अच्छे से वॉश करो. वॉश योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रियली रियली वेल, बिकॉज जो पेस्टिसाइड वगैरह काफ़ी हद तक सर्फेस एरिया पे रहता है तो वॉश करने से वो चला जाता है. इनफैक्ट आप हल्के गुनगुने वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के आप उसमें भिगो भी सकते हो सो दैट वो पूरा निकल जाए. तो ग्रेप्स वगैरह को तो रिकमेंडेड होता है कि आप इस तरह से करो, बिकॉज वो काफ़ी हद तक उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है. बट जो बाकी फूड्स वेजिटेबल्स हैं जिसके हम स्किन को हटा देते हैं वगैरह, तो उनको हम वाटर में अगर थोड़ा देर भिगो के उसको अच्छे से वॉश कर लें, बट ओवर भी ना करें, बिकॉज ज़्यादा करने से भी उसका न्यूट्रिशन चला जाएगा. तो इट शुड बी राइट. सो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ तामसिक फूड आर ऑल दीज केमिकल बेस्ड फूड, जो पेस्टिसाइड और प्रेजर्वेटिव वाला है. फिर उसके अलावा जो फूड जो स्टेल हो गया है, लाइक हमारी हैबिट होती है कि रात को खाना बना, बच गया, लेफ्ट ओवर है, उसको फ्रिज में रख देते हैं और मॉर्निंग निकाल के माइक्रोवेव में डाल के गर्म करके हम खा लेते हैं. नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, बिकॉज फूड 3 से 4 घंटे तक ही उसमें लाइफ फोर्स एनर्जी रहती है, उसके बाद उसकी एनर्जी कम होनी शुरू हो जाती है. एंड आफ्टर सम टाइम उसमें एनर्जी पूरी खत्म होकर उसमें बैक्टीरिया और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने शुरू हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ देयर इन्फेस्टेशन द फूड बिकम्स टोटली नेगेटिव. तो स्टेल फूड हमें बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए कि खाना बनाने के 3 से 4 घंटे बाद आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. आप सिंपल खाना खाओ लेकिन फ्रेश खाओ, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट. अगेन आजकल बहुत ये रिफाइंड, इसके साथ एक और कल्चर शुरू हो गया, वो है रिफाइंड आटा, रिफाइंड ऑयल, एंड इसके बहुत अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट्स हमें दिखाए जाते हैं और हमें ऐसा फील होता है कि ओह माय गॉड दे आर सो गुड, बट दे आर नॉट गुड एट ऑल. बिकॉज जैसे ही हम रिफाइन कर देते हैं सारे फाइबर खत्म हो जाते हैं एंड इट बिकम्स नेगेटिव फॉर अस. सिमिलरली ऑयल को भी बहुत रिफाइन किया जाता है और वो जो ऑयल हम कंज्यूम करते हैं दे आर नॉट गुड फॉर आर हेल्थ. इनफैक्ट ऑयल को एक बार यूज़ करने के बाद में अगर आप वापस से गर्म करके उसको रीफ्राई करने की कोशिश करते हो, वापस से फ्राइंग में यूज़ करते हो, तो इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स आ जाते हैं एंड इनफैक्ट इट इज़ वेरी कैंसरस. सो पीपल डू इट, स्ट्रीट फूड सेलर्स डू इट. यस यस यस, नेचुरली, बिकॉज वो इतने बड़े कढ़ाई में उन्होंने कितने लीटर ऑफ ऑयल को गरम करके यूज़ किया है, तो जब तक वो पूरा काला नहीं हो जाता, 4 से 5 बार यूज़ नहीं हो जाता, वो बार बार उसमें समोसे और भजिए और पकौड़े फ्राई करते रहते हैं, बट आप रियलाइज नहीं कर रहे हो कि वो जो ऑयल है वो कितना टॉक्सिन से भर चुका है, वो बिल्कुल कैंसरस हो चुका है. एंड दीज आर द रीजंस व्हाई कैंसर हैज़ बिकम सो एपिडेमिक नाउ, इतना बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ दीज लाइफस्टाइल थिंग्स. पहले ऐसा नहीं था, हम इतना ईट आउट नहीं करते थे. अभी तो हम जाते जाते कहीं पे भी कोई ठेला मिलता है, कोई भी शॉप मिलती है, रुक के वी लाइक यू नो क्विकली पिक थिंग्स, वी ईट एंड वी आर ऑन द गो. बट बिकॉज वो राइट इन्ग्रीडियंट्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, राइट तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है. सो ये ऑयल को वापस से रीयूज़ करना इज़ नॉट एट ऑल गुड. इनफैक्ट अगर आप चाहो तो एक बार यूज़ करने के बाद में आप उसको फिर स्टर फ्राई और ये सब में या ऊपर से कुछ पोर करने में यूज़ कर सकते हो, वो भी विद इन 2 to 3 days, नॉट मोर देन दैट. लेकिन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विथ रिस्पेक्ट टू यूज्ड ऑयल, बिकॉज दे आर नॉट गुड. एंड आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दो, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ. इनफैक्ट यू शुड स्विच टू घानी ऑयल, जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, कच्ची घानी का जो ऑयल है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. सो यू शुड ऑलवेज यूज़ दैट. एंड देन अगेन हाई सॉल्ट कंटेंट, आजकल जितने स्नैक्स आते हैं, चिप्स हो गया, कुछ भी हो गया, ऑल स्नैक्स आर फिल्ड विथ सॉल्ट, दे आर लाइक हाई सॉल्ट कंटेंट.
high salt content is creating lot of problems in our body. In fact, it is a recommendation from the National Institute of Nutrition ki 5 grams se jyada salt ka intake hamare food mein din bhar mein hona hi nahi chahiye. So we need to really take care of the salt intake that we are doing. So or plus ye jo common salt market mein mil rahe hain, even that is not good for health. We should switch to sendha namak, jo rock salt hai, jo naturally available salt hai. Usko laake ghar mein koot ke agar hum use kare to wo hamare liye kafi faydemand aur kafi acha rehta hai. Similarly, salt ki tarah sugar ka content bhi aajkal bahut badhta ja raha hai in packaged food. जो भी ड्रिंक्स हम सिरपी ड्रिंक्स पीते हैं, हम कुछ भी चीज़ खाते हैं, सब में बहुत हाई शुगर कंटेंट है. अगेन दैट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. 25 ग्राम्स ऑफ शुगर से ज़्यादा हमारे बॉडी को नहीं जाना चाहिए पर डे में. सो इट इज़ बेस्ट, ये वाइट शुगर जो है वो बहुत ख़राब है. सो वाइट शुगर शुड बी रिप्लेस्ड बाय गड़ी शक्कर. जो गड़ी शक्कर आती है उसको हम कूट के यूज कर सकते हैं. इट इज वंडरफुल ड्यूरिंग समर्स बिकॉज वो ठंडा करता है. एंड गुड़ इज अमेजिंग ड्यूरिंग विंटर्स बिकॉज ये हीट क्रिएट करता है हमारी बॉडी में. तो समर्स में गड़ी शक्कर और विंटर्स में गुड़ इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. इनफैक्ट जो हमारा खजूर है, खारिक है, ये सबको डेट्स, ये सबको एज नेचुरल स्वीटनर हमें यूज करना चाहिए. और मार्केट में जो सो कॉल्ड स्वीटनर मिलते हैं, जीरो कैलोरी स्वीटनर, वो तो बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करना चाहिए बिकॉज दे आर वेरी वेरी बैड फॉर हेल्थ. वो बहुत डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे वो सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का. वी शुड नॉट डू, इनफैक्ट वी शुड यूज नेचुरल स्वीटनर्स लाइक डेट्स एंड ऑल. दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ. सो इस तरह से सॉल्ट, शुगर, ये सब का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए. साथ में जो एक्सेसिवली प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो आजकल पैकेज्ड फूड के फॉर्म में हमें मिल रहा है, वी शुड रिफ्रेन आवरसेल्फ्स फ्रॉम इट बिकॉज उसमें सोडियम कंटेंट बहुत हाई है, सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई है, शुगर कंटेंट बहुत हाई है, और ये सब हमारे बॉडी के लिए सैबोटेजिंग है. सो वंस इन अ वाइल यू आर इंडल्जिंग ऑन इट, फटाफट खाना है, ऑन द गो हो, फाइन, बट देन कंपनसेट विद गुड हेल्दी फूड कुक्ड एट होम. There is no comparison of food that is being cooked at home vis-a-vis these food that you get off the shelf. You have to really, really take care. In fact, ये जो juices भी हमें मिलती है, लिखा तो रहता है कि भाई real fruit juice, but 10% भी अगर उनके अंदर fruit होता है तो उन्हें ये लिखने की right मिल जाती है कि real fruit juice है. तो 90% उनके अंदर syrup है और ओनली 10% रियल फ्रूट है. तो जो आप सामने खड़े होके जो जूस निकलवा रहे हो फ्रूट से, वो तो भाई प्रॉपर रियल फ्रूट जूस है. उसके अलावा कुछ भी आपको डब्बों में मिल रहा है तो वो रियल नहीं है. सो वी नीड टू रियली टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि हम क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं. आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है, इतनी क्विक हो गई है, हम इतने ऑन द गो हो गए हैं कि वी वॉन्ट शॉर्टकट ऑफ एवरीथिंग. बट ये शॉर्टकट क्या कर रहा है, हमारी लाइफ का भी शॉर्टकट कर रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. हम जितने शॉर्टकट मेथड्स में जा रहे हैं, हमारी लाइफ को भी वो शॉर्ट पे शॉर्ट करता जा रहा है. दैट्स वाई जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 ईयर्स की होनी चाहिए, वो रिड्यूस होते होते भी 60, 50, 40 पर आती जा रही है. लेकिन सडन कोलैप्स, सडन डेथ इज एट द राइज, कैंसर इज एट द राइज, डायबिटीज इज एट द राइज. सो वॉट इज द रीजन, दीज आर द रीजन्स कि ये जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं ये सब तामसिक फूड है, ये प्रॉपर नहीं है. इनफैक्ट जिस बर्तन में हम कुक करते हैं, जिस बर्तन में हम खाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है. जैसे आजकल इसका बहुत ट्रेंड आ गया है बिकॉज वी वॉन्ट टू स्टे फिट, वी वॉन्ट टू बी स्लिम. सो हम चाहते हैं कि हम नॉन स्टिक पैन या बर्तन यूज करें, बट उसके अंदर एक टेफ्लॉन कोटिंग होती है और वो टेफ्लॉन कोटिंग आफ्टर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हीट होने के बाद में वो पॉइजनस फ्यूम्स को एमिट करना शुरू कर देती है और वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. सो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम दीज टेफ्लॉन कोटेड यूटेंसिल्स. एल्यूमिनियम इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, सो वी शुड नॉट कुक इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, वी शुड नॉट ईट फ्रॉम देयर. प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो प्लास्टिक को जब हीट किया जाता है, सपोज गरम गरम खाना हम प्लास्टिक के
प्लेट में सर्व करते हैं या गरम गरम हम चाय कॉफी प्लास्टिक के हम ग्लासेस में लेते हैं, तो क्या होता है कि वो तुरंत रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके जो केमिकल्स एमिट होते हैं और जो हम कंज्यूम करते हैं दे आर नॉट गुड फॉर अस. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ वी आर ईटिंग, व्हाट वी आर ईटिंग, हाउ इट इज बीइंग कुक्ड, बिकॉज ये सब हमारे हेल्थ को बहुत मेजरली इम्पैक्ट कर रहा है. मैनी पीपल से दैट जो नॉन वेज है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है एंड यू शुड इंक्लूड नॉन वेज इन योर रेगुलर मील्स. सो ये एनर्जी के पर्सपेक्टिव से हाउ वाइडली न्यूट्रिशियस इट इज़ और इट इज़ नॉट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो नॉन वेज फूड है वो आपको ज़्यादा प्रोटीन दे रहा है और ये सारी चीज़ें दे रहा है. लेकिन फूड एज आई जस्ट स्टार्टेड विथ इज़ नॉट जस्ट अबाउट न्यूट्रीशन कि भाई कितनी प्रोटीन है, कितना कार्ब है, कितना फैट है. सिर्फ ये कैलकुलेशन से ये डिसाइड नहीं होता है कि फूड कितना हेल्दी है. अलॉन्ग विद दिस न्यूट्रिएंट लिस्ट वो फूड की एनर्जी कैसी है वो डिसाइड करती है कि फूड कितना हेल्दी है. अगर हम देखने जाएं तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो फ्रेशली प्लक्ड है उसके न्यूट्रिएंट और जिसको बहुत घंटे हो गए हैं ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, बट फ्रेशली प्लक्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर फार मोर न्यूट्रिशियस, फार मोर एनर्जेटिक देन द स्टेल वंस, बिकॉज स्टेल में क्या हो गया, बैक्टीरिया वगैरह इन्फेस्ट होने के कारण उसकी एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी कम हो गई. सेम इज द केस फॉर नॉन वेज फूड. नॉन वेज फूड में क्या होता है कि द मोमेंट द एनिमल इज बीइंग किल्ड उसका डिके प्रोसेस शुरू हो जाता है. बैक्टीरिया, वायरस और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं. सो इन ऑर्डर कि वो जो नॉनवेज फूड है वो ज़्यादा समय तक फ्रेश रह सके उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं. इनफैक्ट केमिकल्स तो बहुत पहले से डाले जाने शुरू हो जाते हैं. जो पोल्ट्री फार्म्स में एनिमल्स को रखा जाता है वो बहुत हेल्दी हो, प्रॉपर हो, तो उसके लिए उनको बहुत सारे हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनका फैट कंटेंट अच्छा हो, वो अच्छे प्लम्प हो. तो उनके बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स दिया जाता है और फिर उनको किल करने के बाद भी बहुत सारे केमिकल्स दिए जाते हैं ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके. सो ये जो नॉनवेज फूड है इट इज़ वेरी रिच इन केमिकल्स, इन प्रेजर्वेटिव्स, सो इट इज़ नॉट गुड. एट द सेम टाइम अगर हम एनर्जी स्टैंड पॉइंट से देखें तो एक जीवित लेकिन एक जिंदा चिकन था, जीवित था वो, एंड उसे सडनली मारा गया. सो जब उसे मारा गया तो उसकी एनर्जी कैसी हो गई, फियरफुल हो गई, वो स्ट्रेस में आ गया, एंग्जाइटी हो गई, फियर हो गया, ट्रॉमा हो गया. तो ये सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो सब उसकी बॉडी में ट्रैप्ड हो गई और फिर जब हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो हम इसी ट्रैप्ड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी के साथ हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं. सो बेसिकली द चिकन दैट इज बीइंग सर्व्ड इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम अ न्यूट्रिशन स्टैंड पॉइंट आप अगर देखो उसका एनालिसिस करके तो मे बी उसमें प्रोटीन बहुत हाई होगा और मिनरल्स बहुत होंगे और विटामिन बहुत होंगे, मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से उसमें सारी चीज़ें बहुत होंगी. बट जब हम एनर्जी स्टैंड पॉइंट से देखते हैं तो इट इज़ फुल ऑफ trapped negative energy, it is full of preservatives in forms of like you know chemicals and all. So ये सारी चीज़ें जो उसको बहुत negative बना देती है. So इसलिए non-veg food को according to Ayurveda उसे tamasic की category में दिया जाता है. But yes, every culture is different, every dietary preferences are different, every needs and requirements are different. So naturally people need to take their own decisions according to their culture, according to their beliefs, according to their dietary preferences, according to their requirements. तो उनको अपना decision अपने perspective से लेना चाहिए. But if we see from Ayurveda perspective, it is considered totally tamasic. It is full of trapped negative energy, which is not good for our body and not good for our ultimate growth. So it was like a question from long time in my mind. What should be a proper diet according to you to maintain positive energies in our bodies also? So proper diet, which should be very high from energy standpoint, should include fruits and vegetables,
बट ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लोकल एंड सीजनल. लोकल सीजनल ऑर्गेनिक दीज थ्री आर द प्राइमरी कीवर्ड्स. इनकेस आप मार्केट से सोर्स करो, इंश्योर करो उसको प्रॉपरली आपने वॉश किया हो ताकि उसके पे जो रेसिडुअल कुछ पेस्टिसाइड्स है वो सब चले जाए. मैम वन मोर थिंग इन दैट वी गेट मेनी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स टू वॉश आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच इंश्योर्स कि इससे आपकी बैक्टीरिया निकल जाएगी एंड द फूड विल बी फ्रेश फॉर यू. सो आर दोज केमिकल्स, इज इट रिक्वायर्ड दैट इफ यू ओनली इंडल्ज दोज केमिकल्स इन द फ्रूट्स तभी वो क्लीन हो और बैक्टीरिया रिमूव हो, या इट कैन बी ओनली पॉसिबल विद सॉल्ट एंड वार्म वाटर? सी अब वो कैसे केमिकल्स है उस पर डिपेंड करता है. अगर कोट एंड कोट प्रॉपर केमिकल है तब तो आप डबल डैमेज कर रहे हो. हाँ. कि पहले से केमिकल डला हुआ ही है, आपने उसको निकालने के चक्कर में नया केमिकल डाल दिया. सो हाउ क्लोज इज इट टू नेचर वो इम्पॉर्टेंट है. कि अगर ये एक सलाइन वाटर मिक्स है तो फिर ठीक है, बट अगर उसमें एक्चुअल में कुछ केमिकल्स डाले हुए हैं तो फिर ये नहीं ठीक है. सो वॉट यू आर यूजिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या यूज़ करो. मैं तो रिकमेंड करूँगी कि भाई सिंपल आपका ल्यूकॉम वाटर है, आपका सॉल्ट है, ये सब आप यूज़ करो. सो इट इज़ लाइक सेफ एंड इट इज़ बेटर. बट येस इफ यू यूजिंग समथिंग देन जस्ट चेक ऑन इट कि ये कितना प्रॉपर है. सो वी वर टॉकिंग अबाउट द राइट कॉम्पोजिशन कि क्या खाना चाहिए. तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो ऑर्गेनिक लोकल सीजनल हो दे आर वेरी गुड. ग्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ग्रेन्स को बहुत ज़्यादा हमको पीसना नहीं है, ग्राइंड नहीं करना है, उसे कॉस्टली ग्राइंड रखना है सो दैट उसका फाइबर और न्यूट्रिएंट जो है वो मेंटेन्ड रहे. देन आपका नट्स एंड सीड्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर फॉर्म्स ऑफ हेल्दी फैट्स. देन योर डेयरी प्रोडक्ट्स, बट अगेन आई विल रिपीट इट शुड बी फ्रॉम इंडिजिनस काउज ओनली, इट शुड बी A2. It's very very important. And then along with this you need to stay hydrated, you need to drink ample water. At least 8 to 10 glasses of water is required because our body is made up of 70% of water. So in order to maintain the water level in the body it is important that we should consume a good quantity of water taki hamara body hydrated rahe aur ye jo food bhi hum kha rahe hain iski digestion process ke liye bhi uski kafi zarurat hai. Thank you so much, ma'am, too, for sharing this much of information. It was very helpful for me and, of course, many of my younger generation who are watching this and facing the same problem. Thank you for sharing your thoughts.